For such a warm तो हेलो गाइस, सभी का वेलकम है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज का मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि गाइस आज है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। तो गाइस मैंने सोचा चलो इंडिया पाकिस्तान का मैच कर लेते हैं। तो चलो गाइस, पहले यहाँ पे टॉस हो रहा है, पाकिस्तान ने यहाँ पे टेल्स का कॉल किया है और देखते हैं गाइस कौन टॉस विन करता है। वैसे पाकिस्तान यहाँ पे गाइस टॉस विन कर चुका है और ये बड़ा मैच है भाई, तो आज स्कोर डिफेंड भी करना पड़ेगा इंडिया को। और गाइस वीडियो लास्ट तक देखना भाई, बहुत मजा आएगा, 18-20 मिनट की वीडियो, बहुत ही मजा आएगा। तो चलो ये है वैसे हमारा बैटिंग लाइनअप और प्लेइंग 11। तो फर्स्ट बॉल का सामना करेंगे गाइस रोहित शर्मा, शाहिन अफरीदी का T20 वर्ल्ड कप। ये महा मैच है गाइस, फर्स्ट बॉल है इस मैच की, देखते गाइस क्या होता है। फर्स्ट बॉल बाउंसर और इतनी बड़ी बाउंसर भाई की विकेट कीपर भी कलेक्ट नहीं कर पाएगा इस गेंद को, और वाइड भी मिलेगा, चौका भी मिलेगा और टीम इंडिया को एक जबरदस्त स्टार्ट भी मिलेगा, क्योंकि बिना बॉल खेले भाई 5 रन मिल गए और क्या चाहिए भाई, इससे बढ़िया स्टार्ट तो हो ही नहीं सकता था भाई। तो चलो गाइस ऑफिशियली ये फर्स्ट बॉल है यहाँ पे शाहिन अफरीदी को, और खेलेंगे रोहित शर्मा, थोड़ा सा यहाँ पे फुटवर्क का यूज़ करते हैं, देखते गाइस कहाँ पे फिर से कहीं बाउंसर वगैरह ना कर दे। यॉर्कर बॉल भाई साहब, फ्लिक शॉट, लेकिन पीछे फील्डर रखा हुआ भाई साहब, इसके लिए 1 रन मिलेगा। सामने गाइस स्ट्राइक पे आएंगे यशस्वी जायसवाल, यंगस्टर आए हैं भाई, और मैं चाहता हूँ भाई कि आज के मैच में जायसवाल खेले भी भाई, विराट कोहली को नंबर 3 पे खेलना चाहिए मेरे हिसाब से गाइस। चलो सेकेंड बॉल इस मैच की, और यहाँ पर फ्लिक शॉट खेलने जा रहे थे लेकिन यहाँ पे भाई मिस कर गए। और गाइस ये 10 ओवर का मैच है, पहले ही बता दे रहा मैं आपको। चलो भाई साहब फर्स्ट बॉल पे डॉट था, तो इस बार टाइमिंग अच्छा किया है, चौके के साथ ओवर की समाप्ति, और बहुत ही बढ़िया शॉट था भाई साहब ये लॉन्ग वन रीजन में, और भाई साहब चौका मिलेगा। और गाइज मैं आपको बता दूं ये 10 ओवर का मैच चल रहा है, बारबाडोस में ये मैच हो रहा है। और चलो यहाँ पे सेकेंड मैच सॉरी बॉलिंग करने आ रहे हैं सेकेंड ओवर में, यहाँ पे मोहम्मद आमिर और रोहित शर्मा, वैसे गाइज स्ट्राइक पे होंगे। रोहित शर्मा गाइज अभी तक बहुत ही मतलब उतने अच्छे फॉर्म में नज़र नहीं आए हैं, और ये देखो फॉर्म में नज़र नहीं है, इस बार आइडियल टाइमिंग होने के बावजूद भी भाई अपर कट खेलने जा रहे थे। और ये देखो भाई साहब यहाँ पे कैच आउट भाई, टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ रह गई भाई, बॉल उतनी बाउंस हुई नहीं और विकेट कीपर ने कोई गलती भी नहीं करी, और सीधा यहाँ पे रिजवान के हाथ में मोहम्मद आमिर ने पहला विकेट दिला दिया है। और अब देखो गाइज आ चुके हैं भाई साहब इस मैच के सबसे बड़े प्लेयर हमेशा की तरह विराट कोहली, और क्या विराट कोहली गाइज एक बार फिर से पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना जलवे बिखेर पाएंगे भाई। चलो फर्स्ट बॉल खेल रहे हैं, सामने है मोहम्मद आमिर भाई, बहुत ही बढ़िया बैटल देखने को मिलेगा। फर्स्ट बॉल ही भाई साहब विराट कोहली आते संगी भाई साहब स्ट्रेट में चौके के साथ स्टार्ट किया है अपने रन्स का, और टीम इंडिया का लिए एक और बहुत ही बढ़िया ये गुड न्यूज़ है कि विराट कोहली इस तरीके के फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट बॉल पे ही बाउंड्री बटोर लिए भाई, क्या ही स्ट्रेट ड्राइव है भाई, क्लासिकल स्ट्रेट ड्राइव। चलो सेकेंड बॉल यहाँ पे मोहम्मद आमिर करेंगे, इस बार फ्लिक किया है और विकेट कीपर की अच्छी फील्डिंग के चलते और डॉट बॉल। चलो एक बार फिर से पैरों पे गेंद, फ्लिक मारा भाई साहब, पीछे कोई फील्डर है नहीं, फ्लैट सिक्स गया भाई साहब, बहुत ही कमाल का फ्लिक शॉट, यॉर्कर गेंद थी भाई और कमाल का फ्लिक कर दिया, 6 रन मिलेगा इस गेंद पे, बहुत ही बढ़िया बैटिंग विराट की तरफ से अभी तक, 3 गेंदों में 10 रन। और चौथी गेंद यहाँ पे फिर से एक बार फ्लिक किया है, क्या एक और बाउंड्री आने वाली है, जी हाँ 1 बाउंस, चौका मिलेगा। विराट कोहली भाई साहब मोहम्मद आमिर के ऊपर भाई अटैक करते हुए बहुत ही बढ़िया स्टार्ट और बहुत ही अच्छे कंट्रोल में नजर आ रहे भाई। आज लगता है गाइज एक पहला 50 देखने को मिलेगा विराट के बल्ले से इस मैच में, और फिलहाल बहुत ही ख़राब गेंदबाजी अभी तक मोहम्मद आमिर की तरफ से, पहली बॉल पे विकेट मिलने के बाद विराट कोहली इन पे अटैक कर रहे हैं। और ये लास्ट बॉल इस ओवर की, और इस ओवर की लास्ट बॉल पे एक और तेज तरह शॉट और एक और चौका ही फ्लिक कर, 2 ओवर में आ चुके गाइज 28 रन। विराट कोहली बहुत तगड़े फॉर्म में, हरीश रऊफ आए हैं भाई 3rd ओवर लेकर के, सामने होंगे जायसवाल, जायसवाल भी स्वागत करते हुए यहाँ पे चौके के साथ 1 बाउंस, चौका मिलेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट मिल चुका है गाइज इस मैच में। और ये मैच गाइज हार्ड मोड के अंदर हो रहा है, पहले ही आपको बता दूं इजी मोड नहीं है, हार्ड मोड है। और एक और चौका भाई, बैक टू बैक चौके, 2 बॉल में 2 चौके यहाँ पे मिलते हुए हमारे जायसवाल को, और ये हुआ भाई ज़बरदस्त स्टार्ट भाई, 2 बॉल में 2 चौके, एक और यहाँ पे चौका, हैट्रिक हो चुका है इस चौकों का, बहुत ही कड़क फॉर्म में भाई जायसवाल, विराट और जायसवाल भाई आज बहुत ही कड़क लग रहे हैं भाई, आज पाकिस्तान की खैर नहीं भाई। यहाँ पे 4th बॉल है, और ये गलत शॉट भाई, स्विच हिट मारने की क्या जरूरत थी भाई, यॉर्कर बॉल पे स्विच हिट मारने गए, और ये देखो भाई सीधा लगी है एकदम भाई साहब, एकदम सीधा, इसको रिव्यू करना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि रिव्यू भी ख़राब होगा, विकेट भी जाएगा, और ये देखो पूरा सीधा लगा भाई, मिडिल स्टंप पे जाके लगती है ये बॉल, और यहाँ पे आउट होते हुए जायसवाल अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, 4 चौके मारने के बाद आउट होकर जा रहे हैं। चलो गाइस अब आए सूर्य कुमार यादव, न्यू बैट्समैन नंबर 4 पे T20 वर्ल्ड कप के, और नंबर 1 प्लेयर वैसे फिलहाल ICC रैंकिंग में,
और फर्स्ट बॉल का सामना करेंगे और बाउंसर के साथ स्टार्ट किया यहाँ पे हरीश रऊफ। और ये लास्ट बॉल इस ओवर की यहाँ पे फ्लिक शॉट और भाई साहब एक और चौका भाई साहब काउ कॉर्नर पे और चौका मिलेगा। तीन ओवर में स्कोर हुआ 44/2। बहुत ही जबरदस्त स्टार्ट किया यहाँ पे 120-130 का टारगेट अपन ट्राई कर सकते हैं। चलो गाइस देखते हैं क्योंकि सूर्या इस तरह के शॉट जब खेलने लगे ना तो भाई समझना इनका दिन है। चलो चौका बहुत ही बेहतरीन था और फोर्थ ओवर का पहला बॉल और ये चौके के लिए आज विराट कोहली पूरे मूड में भाई। आज ये मोहम्मद आमिर को नहीं छोड़ने वाले, मोहम्मद आमिर के ये फेवरेट प्लेयर हैं और विराट कोहली भी फेवरेट हैं और बता रहे भाई कि यहाँ यहाँ चौका मारूंगा। और ये देखो बहुत ही अच्छा एग्रेशन देखने को मिला अपने को। एक और शॉट भाई साहब स्ट्रेट रीजन में और एक और चौका। आज तो भाई विराट का ही दिन लग रहा है। और ये देखो एटीट्यूड भाई क्यों ना दिखाए, क्योंकि बैट्समैन इस तरीके का भाई देखो बहुत ही बढ़िया चौका मारा भाई स्ट्रेट ड्राइव। वो हो भाई गजब का शॉट था ये, बहुत ही बेहतरीन शॉट। चौका मिलेगा, बाबर आजम भी बॉल को नहीं पकड़ पाए। चलो एक और बॉल यहाँ पे बाउंसर की ट्राई है और एक और चौका भाई स्ट्रेट ड्राइव, बहुत ही बढ़िया। आज स्ट्रेट में बहुत सारे रन बटोरे भाई हमारे बैट्समैन। आज विराट कोहली गाइस अलग ही रूप रंग में नजर आ रहे भाई, बहुत ही बढ़िया 33 के स्कोर पहुंच चुके हैं 18 बॉल में, लगभग 184 का स्ट्राइक रेट। और अब बॉलिंग करने आए गाइस स्पिनर शादाब खान। और हम लोग गाइस इस मैच में इस गेम के अंदर वैसे फिलहाल मैं स्पिनर उतना अच्छे से खेल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे चौका मिलेगा बहुत ही बढ़िया। आज सूर्या भी फॉर्म में नजर आ रहे भाई। चलो एक और चौका मिल चुका है यहाँ पे और ये इस ओवर की लास्ट बॉल है और इसको भी चौके के साथ भाई ओवर की समाप्ति करेंगे। स्कोर हो चुका गाइस यहाँ पे 68, बहुत ही बढ़िया 7 ओवर में। और फिर से यहाँ पे न्यू बॉलर आए हैं इब्रार अहमद और यहाँ पे आते संगी भाई साहब विकेट ले गए भाई, आते संगी भाई टाइमिंग थोड़ा सा खराब हो गया यहाँ पे और पैड्स पर लग के बोल्ड हो गए सूर्या। आज इनका दिन लग रहा था लेकिन आउट होगा। चलो ऋषभ पंत आएगा इस न्यू बैट्समैन, पहली बॉल का सामना करेंगे और होप करते हैं आज स्पाइडी अच्छा खेले भाई, अच्छा खेले भाई। ओहो गुगली के साथ शुरुआत भाई। और चलो ये यहाँ पे नेक्स्ट बॉल और इस बार फ्लिक खेलने गए और भाई साहब बोल्ड हो गए हैं यहाँ पर ऋषभ पंत, खाता भी नहीं खुला ऋषभ पंत का और विकेट गया भाई। बैक टू बैक विकेट मिलते हुए इस ओवर में पाकिस्तान को भाई, पाकिस्तान इस मैच में वापस आ चुका है। एक अच्छा स्टार्ट के बाद इंडिया यहाँ पे स्टार्ट खो चुका है भाई। न्यू बैट्समैन हार्दिक पंड्या, आते संगे यॉर्कर बॉल साइंस आफरीदी की तरफ से और फ्लिक करके चौका बटोर लिया भाई, बहुत ही बढ़िया हार्दिक पंड्या भाई अच्छा खेलती है पाकिस्तान के खिलाफ। एक और अटैकिंग शॉट, एक और चौका भाई साहब, यहाँ पे फील्डर है नहीं, बैक टू बैक बाउंड्री, बहुत ही बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे भाई। ये देखो भाई फ्लिक और आज गाइज लगता है हार्दिक पंड्या भी बहुत पिटाई करने वाले हैं। एक और शॉट, एक और तेज तरार गेंद बाउंड्री के लिए जाते हुए हैट्रिक लगा चुके हैं चौकों का हार्दिक पंड्या। विराट कोहली भाई पाकिस्तान को बहुत पिटाई करते हैं भाई, ये तो रिकॉर्ड है। एक और फ्लिक शॉट और यहाँ पे एक और बाउंड्री भाई, चार में चार चौके आ चुके हैं। और लास्ट बॉल इस ओवर की और एक और शॉट उसी रीजन में और यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा अर्ली हो गया है, दो रन की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे मिक्सअप के चलते विकेट हो सकता है और ये रन आउट हो चुके हैं हार्दिक पंड्या। एक अच्छी बैटिंग कर रहे थे भाई लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रनिंग बिटवीन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जिसके चलते हार्दिक पंड्या अपना विकेट गंवाएंगे। और बहुत देरी से गाइस विराट कोहली स्ट्राइक पे ही नहीं है भाई, विराट कोहली होंगे भाई लास्ट ओवर में स्ट्राइक पे। बहुत ही बढ़िया बैटिंग वैसे हार्दिक की तरफ से और यहाँ पे न्यू बैट्समैन आए हैं गाइस रविंद्र जाडेजा और विराट को अच्छा से साथ देना पड़ेगा इनका। चलो विराट कोहली स्ट्राइक पे है, फर्स्ट बॉल है लास्ट ओवर की और यहाँ पे स्ट्रेट में शॉट खेला है, फील्डर है जिसके चलते एक रन मिलेगा। स्कोर हो चुका है 90 और लास्ट पांच गेंदे बाकी हैं अभी, जडेजा है स्ट्राइक पे और देखते हैं गाइस क्या होता है। और डॉट बॉल, क्या गंदा शॉट खेला मैंने ये। चलो यहाँ पे फोर्थ बॉल, दो लगातार डॉट आ चुकी है, शॉट खेला है भाई साहब, फील्डर है इसके लिए भी एक रन मिलेगा। लास्ट ओवर बहुत ही बढ़िया आज का भाई पाकिस्तान के लिए और इस गेम में गाइस मैं अभी स्पिनर्स को उतने अच्छे से नहीं खेल पा रहा भाई जिसके चलते रन्स में उतने नहीं बना पा रहा स्पिनर के अगेंस्ट। विराट कोहली लास्ट बॉल पे स्ट्राइक पे हैं और डॉट के साथ ओवर की समाप्ति और इंडिया ने टारगेट दिया भाई पाकिस्तान को 92 रन्स का जो कि 10 ओवर्स में है, ठीक ठाक टोटल है भाई, डिफेंडेबल टोटल है हार्ड मोड के अंदर। और अब सब कुछ गाइस हमारे फास्ट बॉलर्स के ऊपर और स्पिन बॉलर्स के ऊपर है, हमारे बॉलर्स के ऊपर है कि 92 रन का टारगेट कैसे डिफेंड करेंगे। तो चलो गाइस होप करते हैं आज हमारे बॉलर कुछ कमाल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे पाकिस्तान के ओपनर्स आ चुके हैं रिजवान और सईम अयूब और हमारे जसप्रीत बुमराह ही बॉलिंग का स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट बॉल सेकेंड इनिंग की, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप, फर्स्ट बॉल है गाइस सेकेंड ओवर सेकेंड इनिंग की।
चलो फर्स्ट बॉल यहाँ पे, और फर्स्ट बॉल पे ही खाता खुलेगा क्या? हाँ, फर्स्ट बॉल पे ही रिजवान का यहाँ पे खाता खुल चुका है और पाकिस्तान का भी खाता खुल चुका है भाई। अब स्ट्राइक पे होंगे सईम अयूब, और देखते हैं सईम अयूब क्या करते हैं। सईम अयूब यहाँ पे फ्लिक करके अच्छा शॉट खेला, लेकिन फील्डर है पीछे और अच्छी फील्डिंग के चलते एक रन मिलेगा। और चलो बहुत ही बेहतरीन, और तीन बॉल में एक रन, और ये पाँचवीं और छठी बॉल है क्योंकि अभी दो सिंगल यहाँ पे बीच में आए थे। लास्ट बॉल है इस ओवर की, और यहाँ पे शॉट, और ये गली नहीं, फिप स्लिप में बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा है भाई रोहित शर्मा ने, और जसप्रीत बुमराह ने भाई फर्स्ट ओवर की आखिरी गेंद पे कमाल के विकेट दिलाए रिजवान का। और ये विकेट भाई साहब रोहित शर्मा का होना चाहिए, क्योंकि ये देखो ना भाई क्या ही कैच पकड़ा भाई, हैशटैग रोहित शर्मा लगा देना। और रिजवान यहाँ पे दो रन बना के आउट होके जा रहे भाई। और चलो यहाँ पे बाबर आजम न्यू बैट्समैन, उनके सामने होंगे यहाँ पे अर्शदीप सिंह, और अर्शदीप सिंह यहाँ पे फर्स्ट बॉल, और यहाँ पे रिजवान का सॉरी बाबर का खाता भी खुल गया। चलो भाई साहब, और यहाँ पे सईम अयूब स्ट्राइक पे हैं, एक आउट स्विंगर डालते हैं, बच गए भाई LBW की अपील, लेकिन अंपायर इसको नॉट आउट देंगे ऐसे क्योंकि बाहर लग रही है। हाँ नॉट आउट था। चलो सेकेंड बॉल देखते गाइस, सेकेंड बॉल देखते हैं यहाँ पे फिलहाल, और सेकेंड बॉल यहाँ पे चौका मिलेगा भाई साहब, और नहीं बचा लिया भाई, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग बचा लिया, दो रन मिलेगा भाई साहब। मेरे को चौका निकल गया, लेकिन अच्छी फील्डिंग। चलो इस बार थोड़ा सा स्ट्रेट बॉल डालते, देखते गाइस क्या होता है। बॉल भाई साहब इस बार स्टंप्स रुला बैठा, और ये देखो भाई गजब की भाई साहब स्ट्रेट बॉल, और ऑफ स्टंप उड़ा दिया भाई सईम अयूब का, दूसरा विकेट पाकिस्तान यहाँ पे खोते हुए, और इंडिया का दूसरा विकेट दूसरे ओवर में। बहुत ही बढ़िया स्टार्ट मिल चुकी है टीम इंडिया को भाई। और अब गाइज आए हैं फखर जमान, ये बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, और बॉलिंग करने आए हैं गाइज मोहम्मद सिराज। यहाँ पे देखते गाइज क्या होता है, और बहुत ही ख़राब गेंद, और ये भाई साहब चौका मिलेगा, पैरों पे गेंद थी और आराम से चौका यहाँ पे बटोर लिया। चलो फिफ्थ बॉल यहाँ पे, और एक और अटैकिंग शॉट, ये शायद से एज लगा है तभी चौका गया भाई, क्योंकि ये कंट्रोल में नहीं थे बैट्समैन, खेलना कहीं और चाहते थे, गया गेंद कहीं और, एज ही लगा था और चौका मिला। दो बैक टू बैक बाउंड्रीज, लास्ट बॉल इस ओवर की, और देखते हैं। और एक और विकेट भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कमबैक भाई, दो बैक टू बैक चौके खाने के बाद इस बार आउटस्विंगर बॉल एकदम परफेक्ट ठिकाने पड़ी, और विकेट भी ला के मिली दिए भाई साहब इंडिया को और सिराज को। और यहाँ पे पाकिस्तान अपना थर्ड विकेट होते हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट विकेट है ये, क्योंकि फखर जमान भाई बहुत ही तगड़ा बैट्समैन है यार, ये मैच जिता सकता था इनको, लेकिन चलो विकेट मिल गया अपने को। और यहाँ पे अब आए हैं हार्दिक पांड्या, क्योंकि इस पिच भाई फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, तो फास्ट बॉलर के साथ ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलो फर्स्ट बॉल बहुत ही अच्छे ठिकाने पे, बहुत ही बढ़िया बॉल, और सेकेंड बॉल यहाँ पे, और बच गए भाई साहब थोड़ा सा, मेरे को लगा LBW की ट्राई हो सकती थी, वैसे बच गए। चलो ये नेक्स्ट बॉल, और इस बॉल पे यॉर्कर डाला है भाई साहब, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, क्या कैच पकड़ेंगे भाई, कैच तो पकड़ा लेकिन बाउंड्री के बाहर चला गया भाई, ये क्या था, ये इससे अच्छा कैच ही छोड़ देता भाई। चलो रिप्ले में देखते हैं, ये यहाँ पे शॉट मारा गेंद हवे में, फील्डर यहाँ पे कैच करने का ट्राई कर रही है, यहीं से देखो पोजीशन में आ रहा है कैच पकड़ने के लिए, और ये आया बॉल, कैच पकड़ा और बाउंड्री रोप के बाहर ही जाके कूद पड़े भाई, और छः रन भी दे बैठे। चलो कोई बात नहीं होता है। तो लास्ट बॉल इस ओवर की, और लास्ट बॉल बहुत ही गंदी गेंद पड़ी है पैरों पे, एक और चौका। लास्ट दो बॉल में 10 रन आ चुके भाई यहाँ पे इस ओवर से। न्यू बॉलर कुलदीप यादव, सामने होंगे आजम खान, देखते गाइस क्या करते हैं। आजम खान स्टेप आउट करके शॉट खेलने की कोशिश, यहाँ पे टाइमिंग ख़राब है, लेकिन ये देखो भाई कैच हो सकता है क्या, अरे भाई वन बाउंस बच गया यार, किस्मत अच्छा है, वन बाउंस बच गए। कुलदीप बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हुए थे किस ओवर में, और आजम खान थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस बार स्ट्रगल को भाई साहब फेंक दिया गेंद को चौके के लिए, फ्लिक मार दिया, इस गेंद में कोई फील्डर था नहीं, और चौका मिलेगा। और नेक्स्ट बॉल देखते गाइस क्या होता है, एक और स्वीप शॉट और बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पे आजम खान के बल्ले से निकलते हुए, कुलदीप यादव थोड़े से प्रेशर में। लास्ट बॉल इस ओवर की, स्विच हिट का चौका भाई, लगातार तीन बॉल में तीन चौके पड़े कुलदीप को लास्ट के तीन बॉल में। और अब गाइस बॉलिंग करने आएंगे रविंद्र जडेजा, क्योंकि उनके सामने हैं बाबर आजम, देखते गाइस क्या होता है। बाबर आजम को बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और शॉट खेला भाई, पीछे फील्डर होना चाहिए, गेंद के नीचे भी होना चाहिए, रोहित भाई कोई गलती मत करना। चलो कैच पकड़ लिया भाई, और सबसे बड़ी विकेट पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम गाइस यहाँ पे आउट होकर जा रहे हैं, और इंडियन कैप्टन ने ही उनका कैच पकड़ा है। और यहाँ पे जडेजा ने बहुत ही बढ़िया ऑफ स्पिन डाली, फ्लिक खेलने गए और बाउंड्री को क्लियर कर नहीं पाए, और बहुत ही ज़बरदस्त कैच कैप्टन रोहित की तरफ से, और इंडिया को मिल चुका है इस फोर्थ विकेट। अब आए हैं शादाब खान बैटिंग करने, और देखते गए क्या करती है।
आतिश अंगी भाई चौके के साथ शुरुआत की अपनी इनिंग की और अटैकिंग शॉट के साथ स्टार्ट किया। नेक्स्ट बॉल यहां पे देखते हैं गाइस क्या होता है। नेक्स्ट बॉल एक और बढ़िया शॉट और एक और चौका जा सकता है शायद से विराट कोहली गेंद के पीछे, लेकिन रोक नहीं पाएंगे भाई, चौका मिलेगा बैक टू बैक फोर। और फोर्थ बॉल इस ओवर की देखते हैं गाइस क्या होता है। और फोर्थ बॉल और एक और चौका, लगातार तीन चौके भाई। सदाफ खान आज पवेलियन से ही सेट होके आए भाई, तीन बॉल में तीन चौके। लास्ट बॉल इस ओवर की और देखते हैं गाइस क्या होता है। लास्ट बॉल स्ट्रिप आउट और यहाँ पे डॉट बॉल के साथ समाप्ति। कुलदीप यादव गाइस न्यू बॉलर और देखते भाई क्या होता है। और ये देखो डिफेंड कर दिया और डॉट बॉल, और चलो थोड़ा सा बाहर रखते हैं, थोड़ा सा यॉर्क लेंथ पे। और ये स्विच हिट मारने की कोशिश लगता है, एज लगाया भाई और ये आउट भी है। कुलदीप यादव को पिछले ओवर में तीन बॉल में तीन चौके मारे थे बाबर आजम ने, और इस बार कुलदीप ने बदला भी ले लिया भाई, और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से स्विच हिट मारने गए वैसे भी कुलदीप यादव को। और कुलदीप बोले रुको जरा सबर करो, और विकेट भाई बहुत ही बढ़िया कैच और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग भाई। चलो भाई साहब बहुत ही बढ़िया विकेट, और ये विकेट गया है एक और फिफ्थ विकेट गया पाकिस्तान का। इफ्तिकार अहमद आए हैं बैटिंग करने। शादाब खान स्ट्राइक पे, एक और स्विच हिट की कोशिश और एक और बाहरी किनारा भाई, और ये देखो एक और विकेट, सेम टू सेम विकेट, एक ही ओवर में दो विकेट। कुलदीप यादव ओपी इन द चैट गाइस, बहुत ही बढ़िया कमबैक करते हुए भाई, दो विकेट एक ही ओवर के अंदर। पिछले ओवर में बहुत मार पड़ी थी और इस ओवर में भाई दो विकेट, बड़ी विकेट निकाले हैं और टीम इंडिया को फिर से मैच में वापस लाते हुए भाई। बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग भी यहाँ पर ऋषभ की तरफ से। चलो जड्डू आए हैं न्यू बॉलर, और ये देखते गाइस क्या होता है। सामने इफ्तिकार अहमद है और इस गेंद को भाई साहब फ्लिक कर दिया भाई, एक और सिक्स भाई साहब, वही मैच बाकी है भाई, रुक जाओ। इफ्तिकार अहमद बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। और चलो यहाँ पे नौवे ओवर की पहली बॉल करने आए गाइस यहाँ पे जसप्रीत बुमराह, और एक और सिक्स भाई साहब। इफ्तिकार अहमद गाइस अभी फॉर्म में है भाई, जब तक ये बैट्समैन है तब तक हम लोग जीतना भी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये बैट्समैन जिता सकता है। दो सिक्सेस लगातार आ चुके हैं। चलो एक यॉर्कर के ट्राई करते हैं, यॉर्कर बॉल, ये टाइमिंग अच्छा कर दिया भाई, एक और गैप में गेंद और एक और चौका, मैच अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो भाई एक और बॉल यहाँ पे थोड़ा सा गुड लेंथ डालते हैं, और एक और अटैकिंग शॉट है और एक और बाउंड्री भाई भाई भाई, जसप्रीत बुमराह को मार पड़ रही है भाई। इफ्तिकार अहमद से ऐसे मैच जिता सकता है। चलो लास्ट ओवर गाइस, लास्ट ओवर में जीत के लिए पाकिस्तान को 15 रन साइन से अपने स्ट्राइक पे, और फ्लिक करके चौका, एक और चौका भाई, पाँच बॉल में 11 डिफेंड करने हैं अब। चलो नेक्स्ट बॉल देखते गाइस क्या होता है, और एक और बढ़िया शॉट, इस बार गैप में एक रन मिलेगा। सामने होंगे स्ट्राइक पे इफ्तिकार अहमद जो कि तगड़े फॉर्म में है, और तीन बॉल में 10 रन चाहिए अब, और देखते गाइस क्या होता है। इफ्तिकार अहमद एक और शॉट यहां पे इसी बीच, लेकिन गैप नहीं खोज पाएंगे, एक रन मिलेगा, और अब शायद से मैच इंडिया जीत सकती है अगर दो बॉल में 10 रन ना पिटाए तो। चलो गाइस यहां पे एक और बढ़िया बॉल की शुरुआत करते हैं, और विकेट मिली है भाई स्लोअर, बहुत ही बढ़िया स्लोअर बॉल का यूज़, और ऑफ टर्म उड़ा दिया भाई अर्शदीप सिंह ने। आज दो विकेट लिए भाई, ज़बरदस्त दो विकेट निकाले बोल्ड करके, और ये बहुत ही बढ़िया स्लोअर बॉल था। और अब न्यू बैट्समैन आएंगे मोहम्मद आमिर, लेकिन इस मैच को इंडिया ने जीत लिया भाई। और ये देखो एक और बॉल, एक रन लेके भी कोई फ़ायदा है नहीं इस मैच को, और टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2024 के मैच को इंडिया ने जीत लिया है सात रनों से, यानी कि थला फॉर अ रीज़न भाई। तो गाइस अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और हमारे वर्ल्ड कप की सीरीज़ की वीडियो भी जरूर देखना। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए।